अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने हमारे लद्दाखी कुलचा, जिसको हम बोलते हैं कुलचा मारखूर, उसको वीडियो में दिखाया था। तो आप लोगों ने बहुत सारा उन्हें बोला था उसका रेसिपी देने के लिए, तो मैंने सोचा कि उसका रेसिपी देती हूँ। तो अभी तो मैं मम्मा ने बना लिया है, अब मैं इससे पहले बनाने के बाद वाला शूट कर रही हूँ, फिर बीच में मैं डालूंगी। तो ये है लद्दाखी कुलचा, जिसको बोलते हैं करगिली में मारखूर भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है, हमने दो डिजाइन में बनाया इसको, एक ये एंड ये एक ये। अगर आप लोगों को जानना है हमने कैसे बनाया, तो आप वीडियो में बने रहिए, तब तक मैं अपना एंजॉय करती हूँ कुलचा विद लिप्टन चाय एंड गुड़गुड़ चाय के साथ, भी सेम ही मजा आता है, तो एंड तक देखना। तो सबसे पहले हमें उतने अमाउंट पे आटा लेना है जितने अमाउंट पे हमें बनाना है। हम यहाँ पे राशन का आटा ले रहे हैं, मैदा वगैरह यूज़ नहीं करना है। फिर इसमें बेकिंग पाउडर डाला एंड हमने शुगर डाला, बट शुगर फ्री डाला, पाउडर वाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। फिर हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला, आप किसी भी तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट रिफाइंड हमने यहाँ पे सफोला का यूज़ किया हुआ है। तो हम अपने अंदाजे के हिसाब से यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे एंड मैंने यहाँ पे घी मेल्ट किया हुआ था एंड घी भी डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है फिर बाद में घी की। फिर हमें इस तरह से, जिस तरह से मम्मी इसको मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ये फुल्ली मिक्स नहीं हो जाता। तो हमें यहाँ पे घी एंड तेल का क्वांटिटी ऐसे समझ आएगा, अगर हम इसको अच्छे से हाथ में उठा के प्रेस करेंगे तो ये इसका लंपी टेक्सचर बनना चाहिए। इसके बाद हमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है एंड अपने अंदाजे के हिसाब से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं वैसे ही इसको गूंदना है अच्छी तरह से मिक्स करके। तो साथ ही साथ हमें दो अंडे जो है वो लेना है एक बाउल में और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसका मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है। तो साइड से हमारा जो आटा है वो रेडी हो गया, तो हम साथ में ठलटक भी बना रहे हैं। तो मम्मा यहाँ पे ठलटक के लिए शेप दे रही है, वो बड़ा वाला साइज होता है उसका ना, अच्छी तरह से राउंड शेप में प्रेस डाउन कर रही है। तो यहाँ पे फिर हमें ओवन जो है उसको पहले से ही अच्छे से प्री हीट करके रखना है क्योंकि जब हम डालेंगे तो वो अच्छी तरह से पहले ही हीट अप हो जाए। तो यहाँ पे मम्मा क्या कर रही है, अच्छे से एक नाइफ के साथ आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहो बना सकते हो। हम ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बना रहे जो कि लोकली हम सब ऐसे ही बनाते हैं। तो उसके बाद हमें ऊपर से जो हमने अंडा साइड में मिक्स करके रखा था उसको अच्छे तरह से ऊपर से स्प्रेड करना है एंड ऊपर से उसको हमें जो तिल होता है ना, तिल वो ऐड करना है क्योंकि उसकी वजह से बाद में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आता है। तो इसके बाद जो हमारा प्री हीटेड ओवन था उसमें हम ठलटक को डालेंगे फॉर एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स, चेक करते रहेंगे बीच बीच में फॉर ऑन 20 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो बीच बीच में चेक करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पक्का हुआ है कि नहीं। जब तक हमारा ठलटक रेडी हो रहा है तब तक हम कुलचे को बनाएंगे। जो कुलचा का जो डिज़ाइन होता है वो हम इस मोल्ड में तैयार करते हैं जो लोकली बनता है वुड का, तो इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पर्शिंग। तो हमारे पास दो टाइप का डिज़ाइन है, हम पहले जो आटे का जो छोटे छोटे गोले बनाए होते हैं ना उसको हम इसमें प्रेस डाउन करेंगे एंड उसको अच्छे से शेप देंगे। जब ये अच्छी तरह से प्रेस डाउन हो जाएगा उसके बाद हम इसको निकालेंगे एंड बन गया हमारा कुलचा। तो साइड से हमें चेक करते रहना कि ठलटक जो है वो कम्प्लीटली अच्छे से पक्का हुआ है कि नहीं। तो हमने चेक किया तो थोड़ी देर और रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो हमने फिर से रख दिया कुछ मिनट्स के लिए एंड यहाँ पे हमारा कुलचा रेडी हो गया। देखो कितना प्यारा एंड क्लीन शेप आया है इसका। हमने दो डिज़ाइन बनाया था एंड मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक हमारा ट्रेडिशनल गनक चक्रे वाला डिज़ाइन है एंड दूसरा वाला कुछ अलग ही है। तो बस कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसके बाद वही प्रोसेस सेम है जैसे हमने ठलटक के लिए किया था, उसको ऊपर से कोट करना है अंडे के लेयर के साथ एंड ऊपर से जो तिल है उसको अप्लाई करना है एंड उसको बाद इसको हीट के लिए ओवन में डालना है एंड साइड से हमारा जो ठलटक है वो बिल्कुल गोल्डन एंड ब्राउन रेडी हो गया है एंड बहुत अच्छा घी का स्मेल आ रहा था। एंड आई होप आप सबको ये जो मेरा रेसिपी है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो बस तो
गाइस आप सबको लाइक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। एंड आप सब कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट किस चीज का वीडियो चाहिए लद्दाखी फूड रिलेटेड। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।